नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया, मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है मिलाप जवेरी। हाउ आर यू? आई एम गुड, क्या आप कैसी हैं? गुड गुड। सत्यमेव जयते लोगों को अभी भी याद है, सच बताइए, कोई तो इंस्पिरेशन रही होगी ऐसे फिल्म बनाने के लिए? वेल, इस देश में जो करप्शन है, जो आम इंसान का गुस्सा है, उस गुस्से को देखकर महसूस कर सत्यमेव जयते का जन्म हुआ था। तो जैसे मैंने कहा कि उस जज्बे को हमने सत्यमेव जयते में दिखाया, और अब बाटला हाउस तो निखिल ने बनाई है, जो एनकाउंटर्स जो हमारे हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक्स के बराबर है, जो देश को सुरक्षित रखते हैं, बाटला हाउस अब उसके बारे में है। सर्टेनली बाटला हाउस का ट्रेलर लॉन्च हो गया है, लोगों के सामने आ गया है। पर्सनली एज ए व्यूअर आपको कैसी लग रही है ये इसकी ट्रेलर देखकर? जी, मैं बहुत बाइस्ड हूँ, निखिल मेरे गुरु है, जॉन मेरा दोस्त है, मेरा हीरो है, लेकिन वो उसे साइड में रखकर आप मुझे एक ऑडियंस की तरफ पूछे तो मुझे ज़बरदस्त धमाकेदार लगा है इस ट्रेलर में। इमोशन है, क्लासी है, मासी है, रियल है, फिर भी एंटरटेनिंग है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है, इसमें एक पेट्रियोटिज्म का जज्बा है, एक सच बताने की कोशिश है कि दिल्ली पुलिस के साथ क्या हुआ बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान। तो मैं कहूँगा कि 15 अगस्त के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त करेक्ट फिल्म है, और जॉन के जो एक्शन इमेज के ऑडियंस है उनको भी मज़ा आएगा, और जो जॉन के परमाणु के ऑडियंस है उनको भी मज़ा आएगा। अच्छा, 15 अगस्त इतने इम्पोर्टेंट डेट रिलीज के लिए क्यों होती जा रही है? वेल, 15 या 26 है या? वेल, देश की सबसे बड़ी छुट्टी है, पब्लिक जो है भारी तादाद में थिएटर में आती है, जैसे लास्ट ईयर सत्यमेव जयते और गोल के लिए आई थी। तो इट्स अ वेरी बिग हॉलीडे, एंड बाटला हाउस इज अ फिल्म अबाउट पेट्रियोटिज्म, अबाउट इंडिया, सो इट्स अ करेक्ट रिलीज डेट फॉर दिस फिल्म। अच्छा, ये कहीं ऐसा नहीं हो फिल्म रिलीज करते करते 15 अगस्त से 26 जनवरी लोगों को फिल्म के लिए ज़्यादा याद रह जाए या छुट्टी के लिए ज़्यादा याद रह जाए बजाय कि डे के इम्पोर्टेंस की? आपको ये थोड़ा सा टेंशन या थोड़ा सा सोच? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सबसे पहले इंडियंस हैं, हम हमारे देश को कभी नहीं भूलेंगे, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, ये हमारे लिए एज इंडियंस बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं ऐसे दिनों पे उन फिल्मों को लाने की जो देश के बारे में कुछ बताए, एंटी करप्शन के बारे में हो या एंटी टेररिज्म के बारे में हो। हम कोशिश करते हैं कि देश का जो जज्बा है ऐसे इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक दिनों पर उस जज्बे को हम दर्शाए ऑडियंसेस को। अच्छा, एट द सेम टाइम आपको ऐसी फिल्में जो पेट्रियोटिज्म से भरी हुई हो या किसी मुद्दे को बताती हैं उसको बनाना आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा द कंट्री इज डूइंग ग्रेट, आवर कंट्री इज राइजिंग, सेम टाइम करप्शन वी हैव टू फाइट, करप्शन इज समथिंग और टेररिज्म इज समथिंग विच सिर्फ हमारा देश नहीं पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। तो ऐसे दौर में जो फिल्में पेट्रियोटिज्म के बारे में बात करती है वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जा सकती, क्योंकि पेट्रियोटिज्म इज फॉर एवर। इफ आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई विल ऑलवेज बी पेट्रियोटिक एंड आई विल ऑल्सो रिस्पेक्ट द अदर कंट्रीज एंड देयर इमोशंस। ग्रेट। और अब आपकी आगे आने वाली कौन सी फिल्म की उसकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं? मरजावा आ रही है मेरी 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, वो भी नेशनल हॉलीडे है। रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया, रकुल प्रीत, शाद रंधावा, उनके साथ मरजावा आ रही है 2 अक्टूबर को। वो मेरी नेक्स्ट किस जॉनर की फिल्म है? आप वो मस्ती एक, वाली है? नहीं, वो एक बहुत ही एंग्री पावरफुल लव स्टोरी है, मासी लव स्टोरी है, रिवेंज, एक्शन, म्यूजिक, रोमांस, ड्रामा, एक मास फिल्म है। मास फिल्म है आउट एंड आउट, जिसमें आपको आप सीटियां तालियां होपफुली बजाएंगे, आपको आपके दिल को छुएगी लव स्टोरी, और हमारा टैगलाइन है कि इश्क में मरेंगे भी मारेंगे भी। तो बहुत ही एंग्री फिल्म है, बहुत ही पावरफुल फिल्म है। इट्स रितेश एंड सिद्धार्थ कमिंग बैक आफ्टर एक विलन अगेन टुगेदर, यू नो रितेश इज प्लेइंग अ विलन जो एक बौना है, वो हाँ 3 फुट का बौना है फिल्म में। रितेश देशमुख इज अ मिजिट इन द फिल्म एंड इज अ विलन एंड ही इज एक्साइटिंग एंड क्रेजी। सिद्धार्थ इज प्लेइंग सच अ मासी मसालेदार पावरफुल रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर मी ही इज लाइक अमित जी वॉज, यू नो द इन द अर्लियर पार्ट ऑफ हिज करियर द एंग्री यंग मैन, द वे जैकी श्रॉफ वॉज इन हीरो, दैट इज द काइंड ऑफ एंगर सिद्धार्थ एज इन मरजावा। ही इज नेवर प्लेड सच अ मासी फ्रंट बेंचर फिल्म बिफोर। मरजावा इज दैट फिल्म। मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है वो
हीरो देख लिया, लोगों ने अप्पू राजा देख लिया और अब मर जावा हाँ। तो प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे छोटे से हीरो? नहीं, इन दोनों फिल्मों में कभी कोई विलेन नहीं था। एक बौना विलेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग अतरंगी किस्म का विलेन है रितेश, और विलेन एक विलेन के बाद ही इज प्लेइंग अ विलेन अगेन, तो टू ही आई हैड टू गो टू हिम विद समथिंग इवन मोर एक्साइटिंग फॉर हिम टू से यस। सो शूट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है? हाउ डू यू शूट इट? इट्स अ वीएफएक्स हेवी थिंग, वी हैव प्लान्ड इट, वी डिड आवर रिसर्च एंड वी शॉट इट। वाओ, चलिए हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। चाहेंगे कि अब 2 अक्टूबर के बहुत पहले जल्दी अच्छे से मिलेंगे।